गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी यूपीएससी पे। एंड आई एम योर मेंटर एंड कोच राजा राज्यवर्धन, और हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं 2021 के परस्पेक्टिव से। तो ये सारी डिटेल मेरे बारे में एक बारी जल्दी से जान लेते हैं, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फायदे हैं। तो यहाँ पे आपको लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे सभी बेस्ट एजुकेटर्स के इंडिया के। गुड मॉर्निंग ज्योतिर्मय, और एजुकेटर आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं। आपको मिलती हैं असीमित लाइव क्लासेस, ठीक है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं प्लस के अंदर, ओके। और आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, हर क्लास के बाद आप स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस की, कोर्स की। और एजुकेटर आपका सही मार्गदर्शन करते हैं जिससे आपको सफलता जरूर मिलती है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलेशन के बाद में आपको यूपीएससी सीएसई कैटेगरी में जाना है और वहां से सब्सक्रिप्शन ले लेना है। और एक साल का अगर आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, 2021 के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो आप एक साल का कोर्स ले सकते हैं। और इस कोड का यूज करने के बाद RAJA आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, जिसके बाद फाइनल फीस हो जाएगी 39,600। और अगर आप 2022 का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 57,600, ओके। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कोरल ब्लीचिंग की, ठीक है, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कोरल ब्लीचिंग की। तो कोरल ब्लीचिंग क्या है? कोरल ब्लीचिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोरल्स, इनके रंग चले जाते हैं, ठीक है, कोरल्स दे लूज देयर कलर और वो सफेद पड़ जाते हैं। तो कोरल्स के कलर किस कारण से चले जाते हैं? कोरल के कलर चले जाते हैं मेनली किसी स्ट्रेस की वजह से। इकोसिस्टम में कोई भी स्ट्रेस हो सकता है और जिसकी वजह से कलर्स चले जाते हैं। ठीक है, तो कलर्स जाते हैं किसी स्ट्रेस की वजह से, और स्ट्रेस मेनली क्या होगा? स्ट्रेस या तो होगा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, या फिर इकोसिस्टम के अंदर पोल्यूशन हो गया। तो या पोल्यूशन है, टेम्परेचर है, तो ये स्ट्रेस का काम करता है और स्ट्रेस की वजह से कोरल रीफ के कलर चले जाते हैं, ओके। अब ये कलर जाते कैसे हैं? देखो, कोरल रीफ के जो कलर थे, कोरल एनिमल जो एक कलरफुल इकोसिस्टम बनाते थे, ये इकोसिस्टम वो बनाते हैं किसकी हेल्प से? ये इकोसिस्टम बनाते हैं वो एल्गी की हेल्प से। कोरल पॉलिप एनिमल के बॉडी टिश्यूज में एक सिम्बायोटिक एल्गी रहती है जिसका नाम है ज़ूज़ेंथले एल्गी, और इसी एल्गी की प्रेजेंस की वजह से कोरल रीफ के पास उनके ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं। तो जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, या तो पानी का टेम्परेचर बढ़ गया या फिर पानी के अंदर पोल्यूशन ज्यादा है, तो स्ट्रेस के पीरियड में जो ज़ूज़ेंथले एल्गी है, ये जो सिम्बायोटिक एल्गी है, ये कोरल एनिमल के बॉडी टिश्यूज को छोड़कर चली जाती है। और उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर जो कोरल एनिमल है, ठीक है, कोरल एनिमल की जो फूड सप्लाई है वो चली जाएंगी, और कोरल एनिमल स्टार्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ये भूख से धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर ये स्ट्रेसफुल कंडीशन बनी रहती है कुछ समय के लिए, अगर ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, एक लंबे समय के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी रही, तो कोरल्स की डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना, कोरल्स की डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर टाइमली क्या हो, अगर टाइम से ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस दूर हो जाएं, ठीक है, टाइम से ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस दूर हो जाएं, तो कोरल की हेल्थ वो सुधर सकती है, कोरल अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन को रिमूव कर दिया गया, तो कोरल एनिमल जो है, कोरल पॉलिप जो है, एक सिंगल एनिमल को हम बोलते हैं कोरल पॉलिप, ठीक है, एक सिंगल कोरल एनिमल को हम कोरल पॉलिप बोलते हैं। और कोरल पॉलिप जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशंस दूर हो जाएंगी, तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस के दूर होने से वो दोबारा से रिलेशनशिप में आ सकता है, किसके साथ? एक नई एल्गी के साथ। कोरल पॉलिप एनिमल दोबारा से एक रिलेशनशिप में आ सकता है एक नए ज़ूज़ेंथले एल्गी के साथ में, और दोबारा से वो अपनी हेल्थ को रिगेन कर सकता है, उसकी फूड सप्लाई वापस आ जाएगी कोरल एनिमल की। जैसे ही ज़ूज़ेंथले एल्गी उसकी बॉडी टिश्यूज में वापस आएगी, तो इसकी फूड सप्लाई वापस आ गई, और उसकी फूड सप्लाई वापस आते ही ये अपनी हेल्थ को रिगेन करना स्टार्ट कर देगा। और अपनी हेल्थ को जैसे ही ये रिगेन करना स्टार्ट करेगा, तो इसके कलर्स वापस आ जाएंगे, ठीक है ना, इसके कलर्स वापस आ जाएंगे। तो जो कोरल ब्लीचिंग है, अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए टेम्परेचर ज्यादा रहता है या एक लंबे समय के लिए पोल्यूशन ज्यादा रहता है, तो उस टाइम पे कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी।
और अगर ज्यादा समय तक ये कंडीशन बनी रही तो इन कोरल्स की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इफ द स्ट्रेस इज टू लॉन्ग, अगर ये स्ट्रेस ज्यादा लंबा हो गया तो कोरल्स की डेथ हो सकती है। किसकी वजह से डेथ होगी? वो डेथ होगी स्टारवेशन की वजह से, क्योंकि कोरल पॉलिप जो एनिमल है वो जड़ एनिमल है, किसी एक हार्ड सर्फेस से वो अटैच हो जाते हैं, किसी एक हार्ड सर्फेस से अटैच होके अपना पूरा जीवन वो वहीं पे गुजार देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो फूड सप्लाईज हैं, फूड सप्लाईज कहाँ से आ रही है? मेजरली इसका खाना आ रहा है ज़ूज़ेंथले एल्गी से, और बचा कुछ अपने टेंटेकल्स की मदद से ये समुद्र से ड्राइव करता रहता है। तो मेजर प्रपोर्शन इसके खाने का आ रहा है ज़ूज़ेंथले एल्गी से, और ज़ूज़ेंथले एल्गी जैसे चली जाएगी तो उसके जाने से खाने की कमी हो जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी तो कोरल की हेल्थ डिटियोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी। और इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो विजिबल इम्पैक्ट है, हमें दिखेगा कि कोरल, जो ब्यूटीफुल कोरल रीफ सिस्टम है, उसके कलर्स जा रहे हैं। ठीक है, कोरल रीफ सिस्टम पूरा का पूरा सफेद पड़ रहा है, क्योंकि कोरल रीफ के जो कलर है वो किसकी वजह से है? वो ज़ूज़ेंथले एल्गी की वजह से है। तो जब इनकी डेथ हो जाएगी तो पीछे सिर्फ रह जाते हैं इनके सफेद कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन। ठीक है, कोरल रीफ पड़ जाएंगी सफेद और पीछे रह जाएगा सिर्फ इनका व्हाइट स्केलेटन। तो ये पूरा फिनोमेना, इसको ही बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। और ब्लीचिंग शब्द का इस्तेमाल ही इसलिए हुआ है क्योंकि कोरल एनिमल्स अपने रंगों को खो देते हैं। ठीक है, कोरल एनिमल्स जो हैं, जो कोरल रीफ हैं, वो अपने कलर्स को खो देती हैं। और यहाँ पे देखो, जितनी भी कोरल रीफ है, ये कोरल रीफ ये वाइट हुई पड़ी है, कोरल रीफ यहाँ पे वाइट कन्वर्ट हो गई। और ये वाइट क्यों हो जाती है? क्योंकि ज़ूज़ेंथले एल्गी इसके बॉडी टिश्यूज को छोड़कर चली गई, तो इस कारण से पूरी की पूरी जो कोरल रीफ है वो सफेद पड़ जाएगी। और कोरल रीफ के सफेद पड़ने को, मतलब कोरल रीफ के जो रंग खो जा रहे हैं, इस फिनोमेना को हम कोरल ब्लीचिंग बोल रहे हैं। तो देखो, ये हेल्दी कोरल है, और हेल्दी कोरल के बॉडी टिश्यूज के अंदर क्या है? ज़ूज़ेंथले एल्गी, ज़ूज़ेंथले एल्गी। और इसकी हेल्थ किस लिए बनी हुई है? क्योंकि इसके पास फूड सप्लाईज बनी हुई है। जब ज़ूज़ेंथले एल्गी कोरल एनिमल के बॉडी टिश्यूज में रहेगी तो उसकी फूड सप्लाईज बनी रहेंगी। और यहाँ पे दिख रहा है कि कोरल एनिमल जो है वो एक कलरफुल सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोरल एनिमल के पास में कलर्स हैं, लेकिन ब्लीच्ड, जब भी ब्लीचिंग होगी तो जो ब्लीच्ड कोरल है वो हमेशा वाइट दिखेगा। और वो वाइट क्यों दिखेगा? जैसे ही एल्गी छोड़ के चली जाएगी कोरल पॉलिप एनिमल को, तो उसके रंग चले जाएंगे। और रंग किसलिए चले जाएंगे? क्योंकि इसकी हेल्थ खराब हो रही है। ठीक है ना, इसकी हेल्थ खराब हो रही है। और पीछे जैसे ही इनकी डेथ हो जाती है तो पीछे सिर्फ और सिर्फ इनका रह जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट स्केलेटन। और जब कोरल रीफ की डेथ हो जाती है तो कोरल रीफ की डेथ होने के बाद में फिर इनके ऊपर दूसरी एल्गी आके, जो दूसरी तरह की एल्गी हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर जितना भी मटेरियल है वो इनके ऊपर जमा होने लगता है। और फिर फाइनली इनकी अपीयरेंस वो व्हाइट से भी टर्न हो जाएगी किसी दूसरे कलर में, या तो ब्लैक हो जाएंगे या उसके ऊपर काई जम जाएगी, एल्गी जम जाएगी उस वजह से। ठीक है, उनका अपीयरेंस ही चेंज हो जाएगा। तो वो एक डेड सिस्टम है। कोरल ब्लीचिंग का कारण क्या है? कोरल ब्लीचिंग का कारण क्या है? या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, या फिर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया। और ज़ूज़ेंथले एल्गी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टेम्परेचर को लेके। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा वो कोरल एनिमल के बॉडी टिश्यूज को छोड़कर चली जाएंगी, और बॉडी टिश्यूज को छोड़कर जैसे ही चली जाएंगी तो कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीचिंग का मतलब है कि कलर्स का चले जाना। और इसी से ही साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर कोई स्ट्रेस है। ठीक है, डायरेक्टली हमको पता चल जाएगा देख के कि कोरल रीफ जो है वो सफेद पड़ रही है। और वो सफेद किस लिए पड़ रही है? क्योंकि एल्गी इनको छोड़ के चली जा रही है, इकोसिस्टम की डेथ होना स्टार्ट हो रहा है। तो अगर स्ट्रेस को टाइमली रिमूव कर दिया जाए तो दोबारा से कोरल एनिमल एक नई एल्गी के साथ में रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं और उनकी हेल्थ दोबारा से सुधर सकती है। ओके, तो हमने बात की थी लास्ट क्लास में ये कोरल ब्लीचिंग के कॉजेज क्या है। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग के ये सारे कॉजेज हैं। पहला तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर किस कारण से हो सकता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है अल नीनो की वजह से। ओके, तो अगर हम बात करें, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर। ठीक है, यहां पे हमारा साउथ अमेरिका और इधर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये है हमारा बेसिकली ये जो हिस्सा है सेंट्रल पैसिफिक ओशन का, इक्वेटोरियल पैसिफिक। जो इक्वेटोरियल पैसिफिक वाला एरिया है, यहाँ पे क्या होगा? अलिनो की वजह से यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर, जो सी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और ये भी हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की जो कोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया की जो ईस्टर्न कोस्ट, ये भी हमारा पैसिफिक ओशियन है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अल नीनो से भी, अल नीनो इवेंट ही क्या है, अल नीनो इवेंट के अंदर समुद्र का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है नॉर्मल से ज्यादा, तो उस वो इवेंट होता है अल नीनो, और अल नीनो का सीधा प्रभाव पड़ता है कोरल, ठीक है, कोरल रीफ पे सीधा प्रभाव पड़ता है। और अल नीनो का अपोजिट है ला नीना। ला नीना के अंदर जो सी सरफेस टेम्परेचर है, ला नीना के अंदर सी सरफेस टेम्परेचर चला जाएगा बिलो नॉर्मल, मतलब ओशन की कूलिंग स्टार्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और अल नीनो में टेम्परेचर चला जाता है अबव नॉर्मल, और ला नीना में जा रहा है नॉर्मल से नीचे। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस टाइम पे समुद्र की जब कूलिंग होगी तो वो फिनोमिना है ला नीना। और जब भी ला नीना होता है तो इंडिया के अंदर मानसून, ठीक है, एक अच्छा मानसून होता है इंडिया के अंदर, सरप्लस रेनफॉल होती है। और जब भी अल नीनो इवेंट होता है तो इंडिया के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, और इंडिया के अंदर भी ड्रॉट वाली कंडीशन होती है, मानसून उस टाइम पे पुअर होता है। तो ये कुछ कोरिलेशन है अल नीनो के। अल नीनो इवेंट जब भी होगा हमारे यहाँ पे मानसून के अंदर डेफिसिट रेनफॉल होगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगेगी, और जब भी ला नीना होगा तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बारिश, ठीक है, ये अबव नॉर्मल होती है, और उस केस में ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाढ़ आती है, और इंडिया के अंदर भी अबव नॉर्मल बारिश होती है। तो ये कुछ रिलेशन है अल नीनो और ला नीना का। अल नीनो और ला नीना दोनों मतलब एक सेम फेज के, एक फेज के, ठीक है, ये दो पार्ट है, एक कॉइन के दो पार्ट है। अल नीनो के अंदर टेम्परेचर समुद्र का इंक्रीज हो जा रहा है नॉर्मल से, और ला नीना के अंदर समुद्र का टेम्परेचर डिक्रीज हो जा रहा है नॉर्मल से। और दूसरा कारण फिर हमने बताया था रॉन्गफुल फिशिंग प्रैक्टिस। जो भी मछुआरे हैं वो क्या करते हैं, वो कभी कभी साइनाइड का यूज करते हैं। साइनाइड क्या है, जहर। वो जहर डाल देते हैं कोरल रीफ इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है ना, मछलियां पकड़ने के लिए वो रीफ के अंदर डाल देते हैं जहर, और फिर उसकी वजह से जब मछलियां वहां से भागती हैं तो उन भागती हुई मछलियों को वो पकड़ते हैं। तो जो रॉन्गफुल फिशिंग प्रैक्टिस है, वो साइनाइड की वजह से इकोसिस्टम डैमेज होता है, ठीक है, वो राइटफुल फिशिंग प्रैक्टिस नहीं है, ये सभी रॉन्गफुल फिशिंग प्रैक्टिसेस में आती हैं। या फिर मछुआरे क्या करते हैं, मछुआरे डायनामाइट यूज करते हैं, ठीक है, कोरल रीफ में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे मछलियां भागती हैं, और फिर वो उन मछलियों को पकड़ते हैं। तो डायनामाइट से क्या हो रहा है, डायनामाइट से जो पूरा इकोसिस्टम है वो डैमेज होता है, जहर डालने से पूरा इकोसिस्टम डैमेज होता है। तो ये सब रॉन्गफुल फिशिंग प्रैक्टिस है, और वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है, मछुआरे डायनामाइट का क्यों यूज कर रहे हैं, मछुआरे साइनाइड का यूज क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि जो 25% मछलियां हैं, 25% जितनी भी फिश हैं ओशियन के अंदर, वो डिपेंड कर रही हैं किस पे, वो डिपेंड करती हैं कोरल रीफ पे। इतना बड़ा समुद्र है लेकिन जो 25% मरीन स्पीशीज हैं, 25% मछलियां हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं कोरल रीफ पे। और यही कारण है कि मछुआरे हमेशा टारगेट करते हैं किसको, कोरल रीफ को, क्योंकि वहां पे उनको आसानी से मछलियां मिल जाएंगी पकड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस की हमने बात की थी बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग भी, ये भी फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर ही यूज होती है। अब ये बॉटम ट्रॉलिंग क्या है, देखो बॉटम ट्रॉलिंग के अंदर हमारे पास एक बोट होती है, तो बोट से क्या, एक नेट को अटैच कर देते हैं, बोट से एक स्टील का नेट अटैच कर रखा है, और ये जो नेट है ये ओशियन फ्लोर से घिसड़ता हुआ जाता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, ये फ्लोर जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और ये जो स्टील का जाल है ये इस शेल्फ से घिसड़ता हुआ जाएगा, और जब ये घिसड़ता हुआ जाएगा तो मछलियों के साथ साथ जो दूसरी स्पीशीज हैं, दूसरी मरीन स्पीशीज भी इस नेट के अंदर आ जाती है। और साथ ही साथ अब सपोज करो यहाँ पे कोई कोरल रीफ होगी, ठीक है, यहाँ पे कोई कोरल रीफ होगी, तो वो रीफ भी स्टील नेट की वजह से डैमेज होती है, तो डायरेक्टली बॉटम ट्रॉलिंग की वजह से भी कोरल रीफ को डैमेज होता है, और साथ ही साथ जो दूसरे समुद्री जीव हैं वो भी एक्सीडेंटली इस नेट के अंदर फंस जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस है बॉटम ट्रॉलिंग, ठीक है, बोट को यहाँ पे ट्रॉलर बोलते हैं, इन बोट्स को ही ट्रॉलर बोलते हैं, और इनके साथ एक नेट अटैच कर दिया जाता है, ये नेट होता है स्टील का, और इस स्टील के नेट को एक तरीके से घिसटते हुए ले जाते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर से, जो भी ओशियन बॉटम है उसके ऊपर से घिसटता हुआ जाता है, और मछलियों के साथ साथ दूसरी मरीन स्पीशीज, और साथ ही साथ क्योंकि ये नेट स्टील का है तो घिसटता हुआ ये कोरल रीफ को भी डैमेज कर देता है।
अब देखो जब ये इस रीफ के ऊपर से जाएगा तो साथ साथ इन रीफ को भी ये डैमेज करता चलेगा। तो बॉटम ट्रॉलिंग से भी, ये भी एक रॉन्गफुल फिशिंग प्रैक्टिस है, बॉटम ट्रॉलिंग से भी कोरल रीफ को नुकसान होता है। ये एक और डायग्राम इसको समझने के लिए, एक नेट बांधा हुआ है और नेट क्या कर रहा है, जमीन से घिसड़ता हुआ, ओशन फ्लोर से घिसड़ता हुआ जा रहा है, और यहाँ पे मछलियों के साथ साथ जो दूसरी मरीन स्पीशीज हैं, चाहे वो टर्टल्स हो, चाहे ये स्टार फिश हो गई, ओके, ऑक्टोपस, तो जितने भी दूसरी मरीन स्पीशीज हैं, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है। ये एक रॉन्गफुल फिशिंग प्रैक्टिस है, इससे बायोडाइवर्सिटी का, मरीन बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है। ओके, तो बॉटम ट्रॉलिंग की वजह से भी कोरल रीफ के अंदर स्ट्रेस आ सकता है और उस स्ट्रेस की वजह से ब्लीचिंग हो सकती है। ठीक है, वो डायरेक्टली फिजिकल डैमेज पहुंच रहा है इकोसिस्टम को। फिर एक चीज है सेडिमेंटेशन, जैसे ही सेडिमेंट्स इंक्रीज होंगे पानी के अंदर, ठीक है, सेडिमेंट्स जैसे कि जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, एक तरीके से अगर हम बोले तो जो वेदर्ड मटेरियल है, जैसे पत्थर की घिसाई की वजह से बनता है सैंड, तो सेडिमेंट्स धीरे धीरे नदी के लास्ट वाले पोर्शन में जाके जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स भी एक तरह से वेदर्ड मटेरियल है, जब किसी भी रॉक की वेदरिंग होती है तो उससे बनते हैं सेडिमेंट, उससे बनता है रेत। तो जब भी सेडिमेंटेशन होगा कोस्टल वाटर्स का, तो सेडिमेंटेशन की वजह से क्या होगा, एक तो सनलाइट हिंडर होगी, ऊपर से सेडिमेंट्स की वजह से जो कोरल एनिमल के बॉडी टिश्यूज हैं वो टिश्यूज उससे ब्लॉक होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेडिमेंटेशन की वजह से भी एक स्ट्रेस हो सकता है, और स्ट्रेस के अंदर कोरल जो है उनकी ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी, या फिर एक्सट्रीम सैलिनिटी, अगर सैलिनिटी चेंज हो रही है ओशियन वाटर की तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है कोरल की हेल्थ पे। हमने बात किया था कि सैलिनिटी की रेंज कितनी होनी चाहिए, सैलिनिटी की रेंज होनी चाहिए 27 से 40 पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, पार्ट्स पर थाउजेंड, तो इतनी सैलिनिटी की आइडियल कंडीशन है। अगर सैलिनिटी इससे कम होगी तो भी कोरल रीफ के लिए नुकसान है, और अगर सैलिनिटी ज्यादा होगी 40 पार्ट पर 1000 से तो भी कोरल रीफ की हेल्थ के लिए वो सही नहीं है। और बाकी पोल्यूशन हो सकता है पानी के अंदर, पोल्यूशन किन कारणों से होगा, या तो ऑयल स्पिल की वजह से, ठीक है ना, ऑयल स्पिल्स होते रहते हैं, मतलब तेल का रिसाव हो जाता है, जो भी कंटेनर शिपमेंट जाते हैं समुद्र के थ्रू, और कई बार एक्सीडेंट से वहां पे ऑयल बिखर जाता है, तो उसके रिसाव की वजह से मरीन पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कोरल रीफ के ऊपर, और प्लास्टिक पोल्यूशन भी इनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। फिर बात करते हैं अनसस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट की। अगर कोस्टल एरियाज में कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो उस डेवलपमेंट प्रोसेस में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जितनी भी धूल मिट्टी है, जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो डंप कर दिया जाता है समुद्र के अंदर, ठीक है, या वो एक्सीडेंटली समुद्र के अंदर चला जाता है, तो उससे भी सेडिमेंटेशन बढ़ता है, उससे भी कोस्टल वाटर के अंदर सेडिमेंटेशन बढ़ता है, और इसी सभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वजह से, ठीक है, इस सभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वजह से क्या होगा, कोरल रीफ को डैमेज पहुंचता है। अगर हम बात करें एक्सट्रीमली लो टाइड के केस में, ठीक है, उस केस में भी क्या होगा, कोरल्स एक्सपोज हो जाते हैं किसको, कोरल्स एक्सपोज हो जाएंगे एयर को, और कोरल्स क्या है, मरीन एनिमल, तो समुद्री जीव जो भी अगर उसको आप एयर के कॉन्टेक्ट में ला दोगे तो वो धीरे धीरे उसकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें, ये हमारा लैंड सरफेस है, ठीक है, ये हमारा कोस्टल एरिया, और यहां पे हमारा ओशियन, यहां पे है हमारा ओशियन। तो बच्चों फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो अपने सभी दोस्तों में, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2021 की 2022 की, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा लैंड सरफेस और ये है हमारा ओशियन। तो सपोज करो ये है हमारी लो टाइड लाइन, लो टाइड लाइन है कि जब भी टाइड्स आते हैं तो टाइड्स के अंदर, और यहाँ पे होगी हमारी हाई टाइड लाइन। ठीक है, ये है हमारी हाई टाइड लाइन। तो दिन के अंदर दो बारी टाइड्स आते हैं, तो हाई टाइड लाइन जो है, जहां तक मैक्सिमम समुद्र का लेवल आ सकता है वो है हाई टाइड लाइन, और जहां पे समुद्र का लेवल सबसे कम होता है वो है लो टाइड लाइन। और ये लाइन हम डिसाइड किससे करते हैं, ये लाइन हम डिसाइड करते हैं जब होते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स के अंदर सबसे ज्यादा पानी चढ़ता है और सबसे ज्यादा पानी उतरता है, तो ये लाइन हम डिसाइड करते हैं स्प्रिंग टाइड के रेस्पेक्ट में, और ठीक है दोनों ही लाइन ये स्प्रिंग टाइड के रेस्पेक्ट में ही डिसाइड होती है। तो स्प्रिंग टाइड पे पानी जाता है हाईएस्ट लेवल तक, ठीक है, और पानी जाता है लोएस्ट लेवल तक। तो ये जो डिफरेंस है ना लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन का, अगर इसमें हम हाइट का डिफरेंस देखेंगे तो कुछ मीटर्स का ये डिफरेंस होता है।
तो जब एक्सट्रीमली लो टाइड होंगे, पानी चला जाएगा लोवेस्ट लाइन तक, ठीक है, पानी अपनी लोवेस्ट लाइन तक चला जाएगा। अगर यहाँ पे कोई कोरल रीफ है तो वो कोरल रीफ एयर को एक्सपोज हो जाएंगे, और अगर टाइट बहुत लंबे समय तक रहा तो ये कोरल्स जो हैं एयर को एक्सपोज हो जाएंगे और इन मरीन एनिमल्स की डेथ हो सकती है। ठीक है, टाइट्स हम अलग से पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी में करेंगे, तो टाइट्स को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जब भी एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्सट्रीमली लो टाइड होंगे तो समुद्र का लेवल थोड़ा नीचे हो जाएगा, और समुद्र का लेवल जैसे ही नीचे होगा तो कोरल रीफ जो है वो हवा में एक्सपोज हो जाएंगे। हाई टाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाई टाइड के अंदर ये रीफ पानी के अंदर ही रहेगी, लेकिन एक्सट्रीमली लो टाइड में ये रीफ एक्सपोज हो जाएगी हवा को, और हवा को जैसे ही एक्सपोज होगी तो जो कोरल एनिमल्स हैं, जो समुद्री जीव हैं, उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी अगर टाइड रहता है एक लंबे समय के लिए। तो ये थी बॉटम ट्रॉलिंग प्रैक्टिस। इसके अंदर बोट से एक स्टील के नेट को बांध देते हैं और स्टील का नेट जाता है घिसटता हुआ समुद्री फ्लोर के ऊपर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीफ, रीफ के प्रकार क्या क्या हैं, किस किस तरह की रीफ जो है समुद्र के अंदर मिलती हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो ये तीन तरह की है, डिपेंडिंग अपॉन के रीफ कहाँ पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, एक रीफ कहाँ पे फॉर्म हो रही है तो उस पर डिपेंड करती है कि उस रीफ का नाम क्या दिया जाएगा। एक रीफ है फ्रिंजिंग रीफ, तो फ्रिंजिंग रीफ हम उस रीफ को बोलेंगे, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे ओशियन है तो जो जमीन से जुड़ी हुई है, जो कोस्टल, ठीक है, जो कोस्टल जो जोन है वहीं से ही अटैच हो रखी है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ये ऐसा लगता है कि जो जमीन है जहां पे इंटरफेस है लैंड सरफेस का और ओशियन का, उसी इंटरफेस पे रीफ अटैच हुई पड़ी है, तो इस रीफ को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ऐसा लगता है कि लैंड सरफेस से ही अटैच हुई पड़ी है, जब जहां से समुद्र स्टार्ट हो रहा है तो ये अटैच हो रखी है लैंड सरफेस से, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। अब बैरियर रीफ किस केस में बोलेंगे, बैरियर रीफ जो है वो लैंड से सेपरेटेड होती है बाई अ लगून। ठीक है, बैरियर रीफ वो लैंड से सेपरेटेड होती है बाई अ लगून। अब लगून क्या है, लगून ओशियन का ही एक पार्ट है जो ओशियन से जुड़ा हुआ है एक छोटी सी ओपनिंग से। अब फिर से देखो, ये कोई लैंड सरफेस है और यहां पे ये कोई एरिया ऐसे मान लो, ठीक है, यहां पे है लैंड सरफेस और इधर है ओशियन। ठीक है, तो जो पानी जो है यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग है और यहाँ पे ओपन जगह है, यहाँ पे भी पानी जमा हो रखा है, यहाँ पे पानी जमा हो रखा है, तो इस चीज को हम बोलेंगे लगून। लगून समुद्र का वो हिस्सा है जो समुद्र से अटैच है एक छोटी सी ओपनिंग से, ये समुद्र से अटैच है एक छोटी सी ओपनिंग से। अब क्योंकि ये वाला पानी समुद्र से एक छोटी सी ओपनिंग से ही अटैच है तो यहाँ पे सैलिनिटी थोड़ी कम होती है, यहाँ पे सैलिनिटी थोड़ी सी कम होगी क्योंकि ये समुद्र से एक छोटी सी ओपनिंग से अटैच्ड है। और इसका एग्जांपल क्या है, चिलिका लेक। चिलिका लेक जो ओडिशा के अंदर है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो चिलिका लेक भी एक लगून है, उसके अंदर सैलिनिटी थोड़ी कम है क्योंकि वो एक छोटी सी ओपनिंग से कनेक्टेड है सी के साथ में। अब हम बैरियर रीफ में क्या बात कर रहे हैं, बैरियर रीफ को हम बोल रहे हैं कि बैरियर रीफ वो रीफ है जो जमीन से सेपरेटेड है बाई अ लगून। ठीक है, जो जमीन से सेपरेटेड है बाई अ लगून, और लगून मैंने अभी समझा दिया, लगून एक तरह से एक लेक की तरह है या कोई भी एक वाटर बॉडी है जो ओशियन से अटैच्ड है छोटी छोटी ओपनिंग से, एक ऐसी वाटर बॉडी जो ओशियन से अटैच्ड है एक छोटी सी ओपनिंग से, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग से, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग से जो इधर वाटर बॉडी थी ये अटैच थी ओशियन से। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है चिल्का लेक। तो चिल्का लेक भी एक लगून है, ऐसे इंडिया के अंदर बहुत सारे लगून है। तो बैरियर रीफ के अंदर क्या होगा, बैरियर रीफ के अंदर हमारा जो लैंड सरफेस है, इधर है हमारा लैंड सरफेस और इधर है हमारा ओशियन, तो यहां पे बैरियर रीफ, ठीक है, ये सेपरेटेड होगी लैंड सरफेस से। यहां पे कोरल रीफ है और बीच में यहां पे एक छोटी सी स्मॉलर वाटर बॉडी रह गई। ठीक है, ये सीधी सीधी जमीन से अटैच नहीं है, जमीन से थोड़ा सा दूर है, और ये जमीन से थोड़ा सा दूर है, अब यहां पे हो गया ओपन ओशियन और बीच में भी थोड़ा सा पानी हो गया, तो ये जो एरिया है इसको हम लगून बोलेंगे क्योंकि ये मेजर ओशियन से सेपरेटेड है।
ठीक है, तो बैरियर रीफ क्या करती है, एक छोटी सी वाटर बॉडी को कट कर देती है ओशन से और ये एक लगून बना देती है, ये एक लगून बना देती है। तो बैरियर रीफ के बारे में हम क्या बोलते हैं, बैरियर रीफ वो रीफ है जो सेपरेटेड है लैंड से बाई अ लगून, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड बाई अ लगून। तो ये हो गई हमारी बैरियर रीफ। अब एटोल्स जो होते हैं, अब एटोल्स होते हैं लैंड सरफेस से बहुत दूर ओपन ओशन के अंदर। तो अब देखो ओपन ओपन ओशन के अंदर एटोल बनते कैसे हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे कोई भी कोरल रीफ को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, कोरल रीफ को ग्रो करने के लिए कोई भी एक सब मरीन प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, कोई भी एक सरफेस चाहिए जिसके ऊपर जाके वो अटैच हो सके। अब सपोज करो समुद्र के नीचे यहाँ पे कोई ने सरफेस मिल गया और उसके ऊपर जो है रीफ ने ग्रो करना स्टार्ट किया, तो रीफ जब उसके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट करेगी तो कुछ इस तरीके से रीफ फॉर्मेशन होगी। ये बीच समुद्र में रीफ की फॉर्मेशन हो रही है और कुछ इस तरीके से एक रीफ यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी और यहाँ पे भी बीच में जो है एक लगून होगा, एटोल्स के बीच में भी एक लगून होता है, ओके, मेजरली एटोल्स के बीच में भी एक लगून होता है। तो ये हो गया ओपन ओशन के अंदर बनते हैं एटोल, और जनरली एटोल्स के सेंटर में एक लगून होता है। अब इसमें देखो ये जो एग्जाम्पल है ये है एटोल का, ठीक है, चारों तरफ यहाँ पे रीफ है और बीच में एक लगून है। तो इस तरह के एटोल्स सबसे ज्यादा जो एटोल्स हैं वो मालदीव्स के अंदर मिलते हैं साउथ एशिया में, ठीक है, मालदीव्स पूरा ही इन एटोल्स का बना पड़ा है। तो ये एग्जाम्पल है एटोल का, तो चारों तरफ रीफ है, ये ओपन ओशन के अंदर है, चारों तरफ ये रीफ है और बीच में एक छोटा सा यहाँ पे लगून है और लगून कनेक्टेड है सी से बाई ए स्मॉल ओपनिंग। तो ये होते हैं एटोल, और ये जो हम देख रहे हैं ये है फ्रिंजिंग रीफ। देखो यहाँ पे लैंड सरफेस है और लैंड सरफेस से ही एक रीफ पूरी अटैच हो रखी है, ठीक है, ये जो रीफ ने ग्रो करना स्टार्ट किया ये जमीन से जुड़े जुड़े ही, यहाँ से जमीन से इसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और ये पूरा एरिया ये फ्रिंजिंग रीफ का है, ये पूरा एरिया कवर कर रखा है कोरल रीफ ने और ये कोरल रीफ अटैच्ड है सीधा सीधा लैंड सरफेस से, तो इसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। अब यहाँ पे है बैरियर रीफ और ये है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इस फिगर के अंदर जो आप देख रहे हो ये है ग्रेट बैरियर रीफ। और हमने बैरियर रीफ के बारे में क्या बताया था कि बैरियर रीफ लैंड सरफेस से सेपरेटेड रहती है बाई अ लगून, ठीक है, लैंड सरफेस के बीच में और रीफ के बीच में एक छोटा सा एक छोटी सी वाटर बॉडी होगी जिस वाटर बॉडी को हम बोल रहे हैं लगून। तो देखो यहाँ पे ये हिस्सा है लगून और फिर इस साइड है ओपन ओशियन और ये जो हिस्सा है ये है कोरल रीफ, ये एक बैरियर रीफ है। तो सबसे बड़ी जो बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, और ग्रेट बैरियर रीफ की जो लंबाई है वो 2300 किलोमीटर तक है। तो यहाँ पे बैरियर रीफ ने, बैरियर रीफ लैंड सरफेस से अटैच नहीं है, ठीक है, उससे थोड़ा सा दूर है और बीच में छोटी सी एक वाटर बॉडी पड़ेगी जिसको हम बोल रहे हैं लगून। तो तीनों तरह की रीफ समझ में आई, हमारे पास एक एटोल है, एटोल के अंदर भी एक लगून होता है सेंटर में, हमारे पास एक बैरियर रीफ है, बैरियर रीफ लैंड सरफेस से थोड़ा दूर है, ठीक है, जहाँ पे जमीन और ओशन मिलते हैं तो जो लैंड सरफेस है इंटरफेस उससे थोड़ा सा दूर बनती है बैरियर रीफ, और बैरियर रीफ की वजह से एक लगून फॉर्म होता है। और फिर हमारे पास है फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग मतलब जो लैंड सरफेस से ही अटैच होकर कोरल रीफ ग्रो करती है। अब एक बार बच्चों इसका अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लो और कॉपी पेन निकाल लो और जो डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं वो अपनी कॉपी में ड्रॉ कर दो। एक बार फिर से देखो, इधर आएगा लैंड सरफेस और यहां पे आएगा ओशियन। अभी हम बात कर रहे हैं फ्रिंजिंग रीफ की, तो फ्रिंजिंग रीफ कैसे फॉर्म होगी, इधर ओशियन है और उधर लैंड सरफेस, और फ्रिंजिंग रीफ ये अटैच होती है लैंड सरफेस से। और ये अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, अगर आप ऊपर किसी प्लेन से देख रहे हो तो आप देखोगे कि रीफ जो है सीधा सीधा लैंड सरफेस से अटैच्ड है और यहाँ पे ओशन है, इसका टॉप व्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा अगर आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, समुद्र नीचे है और आप ऊपर से देख रहे हो तो ये दिखेगी कैसे, लैंड सरफेस की एक सीधी सीधी लाइन दिखेगी और उससे अटैच होती हुई आपको एक रीफ दिखाई देगी, तो ये फ्रिंजिंग रीफ है, फ्रिंजिंग रीफ का टॉप व्यू। अब देखते हैं कि साइड व्यू इसका कैसा होगा, अगर आप ओशन के अंदर साइड से देख रहे हो तो इसका साइड व्यू कैसा होगा,
अब अच्छा देखो, यहाँ पे लैंड सरफेस हम साइड से देख रहे हैं, ये लैंड सरफेस है और यहाँ पे ये ओशियन है। ओके, तो साइड से देखने पे क्या, लैंड से जुड़ी जुड़ी ही ये रीफ क्या कर रही है, लैंड से जुड़े हुए ये रीफ ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे रीफ ग्रो कर रही है, तो साइड से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा, टॉप व्यू दिखेगा इस तरह का और साइड व्यू दिखेगा इस तरह का। ये लैंड सरफेस, ये ओशन, आप साइड से देख रहे हो तो ये लैंड से अटैच्ड है, यहाँ भी ये लैंड से अटैच्ड है, ऊपर से देख रहे हो। ओके, दोनों व्यू समझ में आए, साइड व्यू और टॉप व्यू। ये एग्जाम्पल है फ्रिंजिंग रीफ का, ये किसका एग्जाम्पल है, फ्रिंजिंग रीफ का। बच्चों ये कर दो फटाफट, ये मतलब ऑफलाइन कोचिंग में देखोगे ना जाके, तो ऑफलाइन कोचिंग में इसी के 1.5 लाख रुपए लेते हैं वो, वहां पे जब एनवायरनमेंट का कोर्स कराएंगे, ये सब चीजें कराएंगे, इसमें भी कुछ चीजें छोड़ देंगे और 1.5 लाख रुपए ले लेंगे। अब फ्री में करा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ चीजें छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये मौका है, जो ऑफलाइन कोचिंग किसी से भी जाके कंपेयर कर लेना, उन सबसे ज्यादा ही करा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, उनसे बढ़िया बता रहा हूँ, ज्यादा करा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें लग रहा हो कि सर पता नहीं ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल वही पढ़ा रहा हूँ जो यूपीएससी के सिलेबस में है, और जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो सभी ये चीजें पढ़ते हैं। ओके, तो इसको अपनी कॉपी के अंदर बना लो। अब सेकंड में बनाने वाला हूँ किसको, बैरियर रीफ को। अब बैरियर रीफ के अंदर क्या होगा, देखो बैरियर रीफ का टॉप व्यू देखते हैं, यहाँ पे लैंड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे लैंड सरफेस है और यहाँ पे है ओशियन। तो लैंड सरफेस और ओशियन में हम देखेंगे तो रीफ जो है सेपरेटेड रहती है लैंड सरफेस से, कोरल रीफ सेपरेटेड रहेगी लैंड सरफेस से, और यहां पे भी एक छोटी सी वाटर बॉडी बन जाएगी, यहां पे छोटी सी एक वाटर बॉडी बन जाएगी, और यहां पे ये है ओपन ओशियन। तो डायरेक्टली जो रीफ है वो अटैच नहीं है लैंड से, वो लैंड से थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे, थोड़ी सी दूरी पे बन रही है, एक बैरियर उसने बना दिया, और वो बैरियर किसका है, यहां पे बन जाता है एक लगून, यहां पे बन जाता है एक लगून। लगून क्या है, एक छोटी सी वाटर बॉडी है जो कनेक्टेड है ओपन ओशन से, ठीक है, एक ऐसी वाटर बॉडी जो कनेक्टेड है ओपन ओशन से, और लगून की सैलिनिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि इसका मेजर पोर्शन ओशन से कटा पड़ा है। तो टॉप व्यू अगर हम देखेंगे तो बैरियर रीफ का टॉप व्यू कुछ इस तरह का होता है। अब इसका साइड व्यू भी देखेंगे, साइड व्यू इसका कैसा बनेगा, ये हो गया इसका टॉप व्यू। अब देखते हैं इसका साइड व्यू। अब बच्चों इसका साइड व्यू देखो फिर से, ऐसा ही एक डायग्राम बनाते हैं, यहां पे लैंड सरफेस है और यहां पे है ओशियन। अब सीधा सीधा लैंड से अटैच ना होके ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनेगी, रीफ बननी स्टार्ट होगी कहीं यहां से, ठीक है, रीफ बननी स्टार्ट होगी कहीं यहां से। तो इसका साइड व्यू कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पे हो जाएगा एक लगून, ठीक है, यहां पे पानी भरा हुआ है, ये बन जाएगा एक लगून और यहां है ओपन ओशियन। तो अगर हम बैरियर रीफ की बात करें तो बैरियर रीफ का साइड व्यू अगर हम साइड से जाके देखेंगे तो वो दिखेगा कुछ ऐसा, और इसका टॉप व्यू अगर हम ऊपर से देखेंगे हेलीकॉप्टर में बैठ के, तो बैरियर रीफ हमको इस तरह की दिखाई देगी। हेलीकॉप्टर व्यू देखो यहां से भी दिखाया था, ऊपर से देख रहे हो तो यहाँ पे सेपरेटेड है बैरियर रीफ, लैंड से अटैच नहीं है, और बीच में पड़ रही है एक छोटी सी वाटर बॉडी जिसको हम बोल रहे हैं लगून। तो टॉप व्यू यहाँ से दिख गया, ऐसी फ्रिंजिंग रीफ का देखो, फ्रिंजिंग रीफ ये लैंड सरफेस है और लैंड सरफेस से ही सीधी अटैच हो रखी है रीफ, ठीक है, इससे सीधी की सीधी अटैच हो रखी है रीफ, और बीच में यहाँ पे कोई भी लगून नहीं है। ओके, अब देखते हैं कि एटोल को, एक बार ये एटोल को देख लेते हैं, इसको मिटा दूं। देखो एटोल के अंदर क्या होगा, एटोल के अंदर लैंड सरफेस से तो हम बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, ठीक है, ये लैंड सरफेस से बहुत ज्यादा दूर है, ये ओपन ओशन है, और ओपन ओशन में ही हम लैंड सरफेस से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। तो जो टॉप व्यू दिखेगा लगून का, टॉप व्यू कुछ कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ठीक है ना, सर्कुलर शेप की हमको दिखेगी रीफ, तो ये है टॉप व्यू, अगर हेलीकॉप्टर से देखोगे तो ये इस तरह की दिखेगी, और बीच में होगा इसके एक लगून, बीच में यहां पे भी एक वाटर बॉडी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं हम लगून। और ये ओपन ओशन में बन कैसे पाई, क्योंकि कोरल रीफ को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म की तो रिक्वायरमेंट है यार,
मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो, टूटा हुआ जहाज हो, नीचे कोई भी छोटा सा एक टीला है, छोटा सा पहाड़ है, उसके सरफेस से अटैच हो जाएंगे। एक बार कोरल एनिमल अटैच हो जाएंगे तो फिर वहीं पे रहेंगे और वहीं से ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तो उसकी वजह से जो एटोल्स हैं ये फॉर्म होते हैं, और एटोल्स के बीच में ज्यादातर एक लगून होता है। ठीक है, एटोल्स के बीच में ज्यादातर एक लगून होता है। इसका अब हम साइड व्यू देखें, ये है ओपन ओशन, तो इसका साइड व्यू आएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, ये है पूरी रीफ, जो ये टीला दिख रहा है ना, ये टीला ये वाला पोर्शन है जो ऊपर दिख रहा है, और जो बीच वाला पोर्शन है ये है लगून। यहाँ पे बन जाएगी एक छोटी सी वाटर बॉडी जो कि है लगून। तो ये एटोल का साइड व्यू और एटोल का टॉप व्यू, जब ऊपर से देख रहे हो हेलीकॉप्टर से, और ऊपर से अभी दिखाया भी था कि ऊपर से कैसा दिखेगा। देखो तो साइड में ये पूरा है एटोल। ठीक है, यहाँ पे जो है इंसान रह सकते हैं, मालदीव्स के अंदर भी ऐसा ही है। इनका मेजर टूरिज्म ही किससे आ रहा है, एटोल का जो टूरिज्म है वहीं से इनका मेजर रिवेन्यू आता है। और बीच में है एक लगून, बीच में एक छोटा सा लेक बन जाता है जो कि ब्रैकिश वाटर होता है। ब्रैकिश वाटर का मतलब है BRACKISH, ब्रैकिश वाटर का मतलब है सेलाइन वाटर। ठीक है ना, जिसके अंदर थोड़ा सा खारा पानी मिक्स है, तो लगून का जो पानी होता है वो खारा होता है। बीच में भी इनकी एक लगून होता है, समझ आया, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है, और एटोल। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं एक बारी, कि जो सबसे बड़ी रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, और ग्रेट बैरियर रीफ हमको मिलती है क्वींसलैंड कोस्ट पे ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वहां पे हमको मिलती है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये सबसे बड़ी रीफ है वर्ल्ड की। और यही ग्रेट बैरियर रीफ है जो स्पेस से भी अवेलेबल है, स्पेस से भी जो विजिबल है। मैंने आपको बताया था ना कि ये ओनली लिविंग स्ट्रक्चर है जो स्पेस से भी विजिबल है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ही वो स्ट्रक्चर है जो स्पेस से विजिबल है। ठीक है, लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, लार्जेस्ट रीफ जो कि है ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, फिर हम बात करते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे बड़ी रीफ कौन सी है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर माना जाता है सबसे बड़ी रीफ है बेलीज रीफ। सबसे बड़ी रीफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर मानी जाती है बेलीज, BELIZE। ठीक है, और ये बेलीज लीफ रीफ कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको सेंट्रल अमेरिका में। सेंट्रल अमेरिका किधर है, सेंट्रल अमेरिका जहां पे वेस्ट इंडीज, क्यूबा, ठीक है, बारबाडोस, ये सारे कंट्रीज हैं, तो वो है सेंट्रल अमेरिका वाला पोर्शन, और वहां पे रीफ मिलती है बेलीज रीफ, और बेलीज रीफ को माना जाता है लार्जेस्ट रीफ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, बेलीज रीफ को माना जाता है लार्जेस्ट रीफ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर लार्जेस्ट एटोल की बात करें तो लार्जेस्ट एटोल है क्वेजलिन एटोल। क्वेजलिन एटोल ये है लार्जेस्ट एटोल, और ये एटोल कहाँ मिलेगा, ये एटोल मिलता है मार्शल आइलैंड में। तो सेंट्रल पैसिफिक ओशियन के अंदर कुछ आइलैंड है, उसके अंदर एक आइलैंड है मार्शल आइलैंड, तो मार्शल आइलैंड के अंदर हमको, मार्शल आइलैंड पे मिलता है क्वेजलिन एटोल, और ये है लार्जेस्ट एटोल। ठीक है, क्वेजलिन एटोल है लार्जेस्ट एटोल। क्या इंडिया के अंदर भी एटोल मिलते हैं, बिल्कुल इंडिया के अंदर भी एटोल मिलते हैं। कहाँ पे मिलेंगे, लक्षद्वीप के अंदर मिलेंगे। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ इंडिया के अंदर कहाँ मिलेंगी, फ्रिंजिंग रीफ हमारी ज्यादातर मिलती हैं अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में भी मिलेंगी, अंडमान निकोबार और पाक स्ट्रेट के अंदर, वहां पे भी हमारे क्या मिल जाएंगी, फ्रिंजिंग रीफ, और बैरियर रीफ भी हमारे अंडमान एंड निकोबार में ही मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं, लगून, लगून बनता है ओपन ओशन के अंदर, सॉरी एटोल बनता है ओपन ओशन के अंदर, और एटोल के बीच में होता है एक लगून, ये सर्कुलर शेप का बनता है एटोल। ठीक है, डायग्राम में बना के दिखाई, ये सर्कुलर शेप का बनता है, और इसके बीच में क्या होता है, बीच में इसके एक लगून होता है। फ्रिंजिंग रीफ क्या है, जो सीधे सीधे लैंड सरफेस से ही अटैच्ड है, ये लैंड सरफेस से ही अटैच्ड है और वहां से ग्रो करना स्टार्ट करती है। ठीक है, लैंड सरफेस से अटैच होकर ग्रो करना स्टार्ट करती है, ऊपर से देखेंगे तो लगता है कि जमीन से ही जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ के आगे एक्सटेंड कर रही है। फिर बैरियर रीफ जब हम ऊपर से देखेंगे, बैरियर रीफ में हमें दिखेगा कि बीच में एक यार एक वाटर बॉडी है। ठीक है, बीच में एक वाटर बॉडी है और उसके बाद रीफ स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बैरियर रीफ, क्योंकि बीच में बैरियर किसका है, बैरियर बन गया एक लगून का। और ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, ये मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ओके, क्लियर हुआ सबको, बॉटम ट्रॉलिंग भी समझ आया। अब चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे, अब फटाफट से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन पढ़ो,
और अगर रीफ का थोड़ा सा भी कुछ रिपीट करना हो तो वो भी बता दो, और नहीं तो फिर ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, जल्दी से कमेंट करके बता दो अगर इसमें कुछ रीफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ओके, इनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हो, नहीं फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस एसोसिएशन बिटवीन राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट्स, ये मैच सही है या नहीं है, ठीक है, इसको बोल रहे हैं म्यूचुअलिज्म, ग्रोथ ऑफ एपिफाइट्स ऑन लार्जर प्लांट्स, इसको बोल रहे हैं प्रेडेशन, अ बर्ड लेइंग इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ अनदर बर्ड, एक चिड़िया अपने अंडे दे रही है दूसरी चिड़िया के घोंसले में, तो इसको बोलेंगे कमेंसलिज्म। अब जल्दी से बता दो, ठीक है, इनमें से कौन कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, फटाफट से बच्चों आंसर देना स्टार्ट करो, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। आसान सा सवाल है, ये सारी चीजें कराई हुई है, माइकोराइजा फंजाई हमने कराया था जहां पे एक फंजाई रहती थी प्लांट की रूट्स के साथ, में। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन से मैच जो हैं वो करेक्ट मैचेस हैं, एसोसिएशन है राइजोमियम का लेगुमिनस प्लांट के साथ में, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि जो मटर का पेड़ है, जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स होते हैं, ज्योतिर्मय बोल रहे हैं इसका करेक्ट आंसर है ए, कोई और आंसर देगा, कोई और बच्चा भी ट्राई करो, ज्योतिर्मय ने बोला इसका आंसर है ए, देखो कोई और आंसर नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। अब यहां पे देखो एसोसिएशन राइजोबियम का है लेगुमिनस प्लांट के साथ में, तो बिल्कुल ये म्यूचुअलिज्म है, यहाँ पे राइजोबियम ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये रहता है किसकी, लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर, और ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, इसको हैबिटेट मिल गई और प्लांट्स की इसने नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प कर दी। अब सेकेंड स्टेटमेंट हमारी थी ग्रोथ ऑफ एपिफाइट्स ऑन लार्जर प्लांट्स, एपिफाइट्स हमने पहली क्लासेस में क्या बताया था, एपिफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर, और इसकी मैंने एक फिगर भी दिखाई थी, अगर कोई हमारे पास बड़ा पेड़ है और बड़े पेड़ का कोई टहना है तो इस टहने पे आके कोई छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो उगना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये प्रीडेशन नहीं है, ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। प्रीडेशन के अंदर तो एक जीव दूसरे जीव को मार के खा जाता है, ठीक है, उसमें दूसरे जीव का बहुत भारी नुकसान होता है, उसकी उसमें डेथ हो जाती है, तो ये प्रेडेशन का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं है, ये एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, और कमेंसलिज्म के अंदर बच्चों क्या होता है, कमेंसलिज्म के अंदर एक स्पीशी का तो एक स्पीशी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, एक मिनट बच्चों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, देखो कमेंसलिज्म के अंदर एक स्पीशी पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक का फायदा हो जाएगा, एक का फायदा हो गया और दूसरा रहता है न्यूट्रल, उसको कोई ना नफा है, ना नफा नुकसान उसको कुछ नहीं है, तो ये रिलेशनशिप होती है कमेंसलिज्म, ओके, ये रिलेशनशिप होती है कमेंसलिज्म, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहा है कि एक चिड़िया अंडे दे रही है दूसरे चिड़िया के घोंसले के अंदर, तो ये जो है ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, ये एक तरीके से पैरासिटिज्म ही है, ठीक है, ये पैरासिटिज्म ही है और इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, इसको क्या बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। तो जब एक चिड़िया जैसे कि कुकू बर्ड, जो कोयल है वो अपने अंडे किसके घोंसले में देती है, वो अपने अंडे देती है कौवे के घोंसले में, तो जब वो जाके अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है तो कौवा अपने बच्चों को पालने के बजाय कुकू बर्ड के बच्चों को पालता है, और कुकू बर्ड, ठीक है, बच्चों को पालने वाला टाइम उसका बच गया और वो उस टाइम में जाके अपनी फोराजिंग एक्टिविटी करती है, मतलब उस टाइम में जाके भी वो
खाने को तलाशती है, उसका काम बच जाता है, तो उसका एफर्ट जाता है सारा का सारा फोराजिंग में, खाना ढूंढने में, प्लस रिप्रोडक्शन में। ठीक है, फोराजिंग और रिप्रोडक्शन में कुकू बर्ड्स का सारा टाइम जा रहा है, और कौवा किस चीज में उसका टाइम जा रहा है, वो पाल रहा है कुकू बर्ड के बच्चों को। तो इससे क्या होगा, कुकू बर्ड की पॉपुलेशन तो इंक्रीज होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो क्रो है, कौवे की पॉपुलेशन, वो अल्टीमेटली इस वजह से डिक्लाइन करेगी, क्योंकि वो अपने बच्चे पालने की बजाय कई बार कुकू बर्ड क्या होता है, उसका एक अंडा गिरा के चली जाएगी और वहां पे अपना अंडा रख देगी। तो ये होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ो। विद रेफरेंस टू पोलिनेशन एंड पोलिनेटर पॉपुलेशन डिक्लाइन, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पोलिनेटर वो जानवर होते हैं जो प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उनके पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं एक लोकेशन से, ठीक है, दूसरी लोकेशन पे। ठीक है, मेल पार्ट जो है प्लांट का, वहां से फीमेल पार्ट तक वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो अगर पोलिनेटर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है, इट रेफर्स टू रिडक्शन इन इंसेक्ट एंड एनिमल पोलिनेटर इन मैनी इकोसिस्टम। ओके, और दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, कि अगर पोलिनेटर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी तो उसकी वजह से पॉवर्टी और हंगर की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि अगर पोलिनेटर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी तो उसकी वजह से पॉवर्टी और हंगर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और पहली प्रॉब्लम कह रही है कि पोलिनेटर डिक्लाइन का मतलब है कि वो इंसेक्ट और एनिमल की पॉपुलेशन में रिडक्शन हो रहा है जो पोलिनेशन करते हैं। अब फटाफट से इसका आंसर बता दो। फटाफट से इसका आंसर बता दो। ज्योतिर्मय, सेकंड ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई नहीं, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। पहली स्टेटमेंट तो समझ गए होंगे तुम, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो रहा होगा। आंसर दो बच्चों, छोटा सा 1 मिनट का समय मिलेगा यूपीएससी के अंदर, 100 सवाल आएंगे और 120 मिनट होंगे, और उसके अंदर गोले भी भरते रह जाओगे 10 से 15 मिनट, तो 15 मिनट गोले भरने के हो गए। ओके, और कम से कम पेपर 2 बार तो पढ़ना होता है, तो 1 मिनट का टाइम बहुत है। बिल्कुल ज्योतिर्मय, करेक्ट आंसर है इसका सी। अब यहाँ पे देखो, जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन तो हम समझ गए, पॉलिनेशन के अंदर जो प्लांट के पोलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि हनी बी वो हेल्प करते हैं, वो जाके एक फ्लावर पे बैठती हैं, तो साथ साथ ही पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी से चिपक जाएंगे, फिर जब वो दूसरे प्लांट पे जाएंगे तो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देती हैं। ओके, जो फीमेल पार्ट है प्लांट का। अब पोलिनेशन की वजह से ही क्या है, जो 60 से 70% प्लांट स्पीशीज हैं, ठीक है, 60 से 70% प्लांट स्पीशीज वो रिप्रोड्यूस कर पाती हैं इन पोलिनेटर्स की वजह से ही। जो भी पोलिनेटर्स हैं, इंसेक्ट्स और दूसरे एनिमल्स, इनकी वजह से ही प्लांट स्पीशीज जो है रिप्रोड्यूस कर पाती हैं, और उनकी तादाद है 60 से 70% तक। और जो 35% क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी डिपेंड करती है इन्हीं पोलिनेटर्स के ऊपर। ठीक है, अगर ये इंसेक्ट, ये पोलिनेटर्स खत्म हो जाएंगे, तो उसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट पड़ेगा तो सीधा सीधा उसका रिलेशन किससे है, सीधा सीधा उसका रिलेशन है पॉवर्टी से, सीधा सीधा रिलेशन है उसका भुखमरी से। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स टू नेविगेट। नेविगेट मतलब अपना रास्ता ढूंढने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स टू नेविगेट अक्रॉस द अर्थ फॉर फोराजिंग। फोराजिंग मतलब खाना ढूंढने के लिए, एंड रिप्रोडक्शन। क्या बर्ड्स और एनिमल्स और इंसेक्ट यूज करते हैं सन का नेविगेट करने के लिए, क्या वो यूज करते हैं स्टार्स का नेविगेट करने के लिए, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज करते हैं, और क्या वो स्मेल अपनी सूंघने की शक्ति का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो देखने के लिए कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। तो बताओ इसका भी आंसर। एक तरह से एनिमल्स की एडेप्टेशन की बात हो रही है, कि इनमें से वो किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं नेविगेट करने के लिए, अपने डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है।
और ये जो लेफ्ट फिगर के अंदर एनिमल दिख रहा है ये है वाइल्ड बीस्ट, इसका नाम है वाइल्ड बीस्ट। और ये वाइल्ड बीस्ट कहां पे मिलता है? ये मिलता है सवाना घास के मैदानों के अंदर, ये वाइल्ड बीस्ट भी सवाना घास के मैदानों में ही मिलता है। ज्योतिर्मय ने बताया 1, 3 एंड 4, तो ज्योतिर्मय इसका आंसर भी जो है ना, इसका आंसर भी है 1, 2, 3 एंड 4, इसका आंसर भी 1, 2, 3 एंड 4 है। अब ये जो लेफ्ट फिगर में आप एनिमल देख रहे हो ये वाइल्ड बीस्ट, एक हर्बीवोर है सवाना ग्रासलैंड का। तो ये क्या यूज करता है? जब बारिश का मौसम आता है ना, जब इसको पानी की तलाश होती है, तो अगर यहां से कुछ किलोमीटर दूर पे, ठीक है 10-15 किलोमीटर दूर बारिश हो रही है, तो ये स्मेल से पता कर लेता है, मिट्टी की स्मेल थोड़ी चेंज हो जाती है, तो उस स्मेल से इसे पता लग जाता है कि किस डायरेक्शन में बारिश हो रही है, किस डायरेक्शन में पानी मिलेगा, तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो स्मेल पे जो डिपेंड कर रहा है वो है वाइल्ड बीस्ट। अब हम बात कर रहे हैं सन, स्टार और मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये है मलार्ड डक, जो लेफ्ट पोर्शन में ये जो पक्षी है इसका नाम है मलार्ड डक। और ये मलार्ड डक किसका यूज करती है? ये मलार्ड डक यूज करती है स्टार्स का, ठीक है ये मलार्ड डक यूज करती है स्टार्स का नेविगेट करने के लिए। और स्टार्स से इसको नॉर्थ डायरेक्शन का अंदाजा लग जाता है और ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है उसका इस्तेमाल करके। और फिर ये जो बर्ड है ये है कॉमन मैना नीचे वाली, ठीक है ये कॉमन मैना इंडिया के अंदर बहुत मिलती है, गांव के अंदर जाओगे तो ये बहुत मिलेगी। और ये कॉमन मैना का ही यूरोपियन वर्जन है, इसको बोलते हैं स्टारलिंग, ये यूरोपियन स्टारलिंग, ठीक है यूरोपियन स्टारलिंग। और कॉमन मैना भी, ये भी स्टारलिंग फैमिली की ही है, दोनों सेम फैमिली से हैं, ये यूरोपियन वर्जन है कॉमन मैना का। तो ये दोनों पक्षी यूज करते हैं सन का, ठीक है दोनों ही पक्षी ये यूज करते हैं सन का नेविगेट करने के लिए। अब बात आई मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन को वो पता कर लेते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। जैसे इंसान है, इंसान जो है डायरेक्शन का नहीं पता कर सकते कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, हमको जरूरत पड़ती है कंपास की, ठीक है हमको एक कंपास की जरूरत पड़ती है लोकेट करने में कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ किस तरफ है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पता कर लेते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन और उनको यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन का पता लग जाता है। लेकिन अभी साइंटिस्ट ये नहीं पता कर पाए कि वो किस मैकेनिज्म से पता करते हैं, किस मैकेनिज्म से इनको, मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इनको पता चलता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ही है, वाइल्ड बीस्ट ये स्मेल देख के जो रेन, जिस डायरेक्शन में रेन हो रही है वहां की डायरेक्शन में पता लग जाती है। जो यूरोपियन स्टारलिंग है, यूरोपियन स्टारलिंग या इंडियन स्टारलिंग जिसको बोलते हैं कॉमन मैना, तो ये भी सन का इस्तेमाल करती है, ठीक है सन की लोकेशन को देख के स्काई में उस हिसाब से ये अपनी एक्टिविटीज को डिसाइड करती है। और जो मलार्ड डक है ये तो स्टार्स की हेल्प से भी, कुछ स्टार्स की हेल्प से नॉर्थ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर देती है। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम, और यहाँ पे दिया हुआ है हमको टेम्परेट ग्रासलैंड, दूसरा दिया हुआ है सवाना घास के मैदान, फिर टुंड्रा, फिर एश्वरी। अब बोल रहे हैं कि इसको अरेंज कर दो इन द ऑर्डर ऑफ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है उसको सबसे पहले रखना है और सबसे जो कम प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है उसको रखना है सबसे लास्ट में, ठीक है। आसान सा सवाल है, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, तो जिसकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, जहां पे बायोमास प्रोडक्शन ज्यादा है उसको सबसे पहले रखना है, और जहां पे बायोमास प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कम है उसको सबसे लास्ट में रखना है। ओके तो फटाफट से कर दो 60 सेकंड में इस सवाल को, फटाफट से अरेंज कर दो। यूपीएससी में समय मिलेगा 1 मिनट का, ठीक है 1 मिनट के अंदर एवरेज आपको एक सवाल करना है, क्योंकि 120 मिनट में से 100 मिनट तो आपके यही चले जाएंगे और 10-15 मिनट आप गोले भी भरोगे, ठीक है सर्कल करोगे वहां पे, और एटलीस्ट कम से कम क्वेश्चन 2 बार तो पढ़े जाने चाहिए, तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, ये आ जाना चाहिए समय आपका 35-40 सेकंड। और यूपीएससी की तो आदत बन गई है लंबे लंबे क्वेश्चन फ्रेम करने की, जिनको पढ़ने में ही काफी टाइम लगता है, ठीक है ना, जिनको पढ़ने में काफी टाइम लगता है। फटाफट से अरेंज कर दो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम सबसे पहले, सबसे कम
प्रोडक्टिव इकोसिस्टम सबसे लास्ट में। देखो इसमें सोचने वाली बात तो ज्यादा रहेगी नहीं, टुंड्रा तो सबसे लास्ट में ही आएगा, ठीक है ना, टुंड्रा सबसे लास्ट में आएगा, तो दो ऑप्शन तो यहाँ पे कट ही गए, टुंड्रा है सॉरी ए और डी। ज्योतिर्मय आंसर दिया है बी, बी के अंदर सबसे पहले तुमने रखा सवाना को, ओके ठीक है, तुमने रखा सबसे पहले सवाना को, उसके बाद तुमने रखा किसको, उसके बाद तुमने रखा है टेम्परेट ग्रासलैंड को, फिर उसके बाद तुमने रखा फोर एस्चुरी को। नहीं देखो ज्योतिर्मय सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी होगी ना यहाँ पे, देखो एस्चुरी तो सबसे नंबर वन पे होना ही चाहिए। जब मैंने आपको पढ़ाया था याद करो कि जो नेचर सब्सिडाइज्ड इकोसिस्टम है, नेचर सब्सिडाइज्ड इकोसिस्टम में मैंने क्या बताया था, एस्चुरी, ठीक है, एस्चुरी है नेचर सब्सिडाइज्ड इकोसिस्टम, ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नेचर सब्सिडाइज्ड इकोसिस्टम है, ओके, मैंग्रोव्स कोरल रीफ ये नेचर सब्सिडाइज्ड इकोसिस्टम है, तो सबसे पहले पे आएगा एश्वरी, ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा सवाना, उसके बाद आएगा हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड, और टुंड्रा आएगा सबसे लास्ट में, तो 4-2-1-3, ठीक है, प्रोडक्टिविटी एश्वरी के अंदर बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, समझ आया। अब इसमें यहां पे देखो जो एश्वरीज हैं स्वैम्प एंड मार्शेज मतलब मैंग्रोव जो हैं, और जो एश्वरीज हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ये देखो ये सबसे ऊपर रखे हुए हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट सेम ही है इन सब की प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इनकी होगी। और फिर उसके बाद हमारे के टेम्परेट जोन के फॉरेस्ट, उनकी प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल जोन के फॉरेस्ट से कम होगी, उसके बाद आएंगे टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ये ध्यान देना कि सबसे आगे हम रख रहे हैं फॉरेस्ट को, ठीक है, सबसे आगे हम फॉरेस्ट को रख रहे हैं, फॉरेस्ट के साथ साथ हमने एस्चुरी को रख दिया और मैंग्रोव्स एंड स्वैम्प्स को रख दिया, ठीक है, तो फॉरेस्ट सबसे ज्यादा ही रहेंगे, और फॉरेस्ट में भी आगे कौन रहेंगे, ट्रॉपिकल जोन के, उसके बाद आएंगे टेम्परेट फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट को तो आगे ही रहना है, और फॉरेस्ट के साथ साथ एश्वरी कोरल रीफ मैंग्रोव्स, ठीक है, स्वैम्प मार्शेस ये सब आ जाते हैं, फिर आएंगे टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट, फिर उसके बाद क्या आया टाइगा, भी देखो टाइगा भी टेम्परेट फॉरेस्ट ही है, फिर उसके बाद आया सवाना, उसके बाद आया सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड, फिर उसके बाद आया एग्रीकल्चरल लैंड, फिर छोटे वुडलैंड एंड श्रब, उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड, तो ठीक है, ग्रासलैंड में भी सबसे पहले आएंगे ट्रॉपिकल जोन के ग्रासलैंड, फिर उसके बाद आएंगे टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल जोन की जो भी प्रोडक्टिविटी होगी वो हमेशा ही ज्यादा होगी टेम्परेट जोन से, तो इसलिए सवाना पहले आए, एग्रीकल्चरल लैंड वुडलैंड श्रबलैंड ये सब पहले आए, और फिर आया हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड, फिर उसके बाद लेक्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर ये ओपन ओशियन, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी जहां पे कोरल रीफ आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी जहां पे भी कोरल रीफ आ जाएगी ना, कोरल रीफ आ जाएंगे या जो मैंग्रोव्स वाला पोर्शन आ जाएगा, तो ये सीधा उठ के वहां चला जाएगा, ये प्योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात कर रहे हैं, जहां पे ना तो रीफ है ना ही कोई दूसरा, ठीक है, कोई दूसरा मरीन इकोसिस्टम नहीं है, तो ये सिर्फ ओपन कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात हो रही है, अगर यहाँ पे कोरल रीफ आ जाएगी तो ये इकोसिस्टम भी सबसे ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद है ओपन ओशियन, ठीक है, उसके बाद है टुंड्रा, और उसके बाद फिर डेजर्ट आता है, ठीक है, डेजर्ट स्क्रब, और फिर एक्सट्रीम डेजर्ट। तो ये था बायोम प्रोडक्टिविटी, ओके, वीडियो पॉज करके इसको सबको नोट कर लेना ये सीक्वेंस, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ये याद रखना कि अगर यहाँ पे आ जाती है कोरल रीफ, तो कोरल रीफ को हमें कोरल रीफ की वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसको ऊपर रखना पड़ेगा, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ की इन एनी केस इसकी प्रोडक्टिविटी ओपन ओशन से तो ज्यादा ही होती है, ओके? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, और ये रेफरल कोड याद रखना, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो अपने दोस्तों में, और थोड़े टाइम बाद मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और 39,600 में माड़ा नहीं है अकेडमी सब्सक्रिप्शन अगर कंपेयर करेंगे हम इसको ऑफलाइन कोचिंग से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर कर देना एक बार, सेशन को लाइक कर देना, और कल फिर से मिलते हैं 9 बजे और क्वेश्चंस के साथ में, और प्रोडक्टिविटी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत और बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और हैव अ गुड डे, और कल मिलते हैं।